गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हनुमान साय मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th बायोलॉजी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड एग्जाम 2024 के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों की एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है चैप्टर वाइज, जिसके अंतर्गत हम बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं जो उसके आसपास के क्षेत्र को घेरे हुए रहते हैं उससे संबंधी जो भी सूचनाएं हैं हम उनके बारे में भी यहाँ चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इस सीजन का जो प्रारंभ है हम चैप्टर फर्स्ट से कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो पहला जो पार्ट है, पहला जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस, इसके पश्चात ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम चर्चा आगे की वीडियोस में करते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहा है, पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होगी। तो यह स्पष्ट किया गया है कि पुष्पी पादपों से मतलब क्या है। पुष्पी पादपों से मतलब है ऐसे प्लांट्स जो जीवन की किसी निश्चित अवधि के दौरान पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुष्पी पादप कहलाते हैं। इन्हें हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, आवर्तबीजी प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें जनन की प्रक्रिया के दौरान भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष की जो सूत्रगुणिता है, यानी यहाँ पर सूत्रगुणिता से मतलब क्या है, गुणसूत्रों के एक समूह से है और यहाँ 1N से 2N से 3N से 4N से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। 2N 4N क्या है, तो ये गुणसूत्र का जो समुच्चय है, जो समूह है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सूत्रगुणिता से मतलब क्या है, गुणसूत्रों के समूह से है। तो यहाँ 1N 2N 3N और 4N तक यहाँ यानी 6N तक हो सकते हैं। तो यहाँ जो सूत्रगुणिता पूछी गई है भ्रूणपोष की वो क्या रहेगी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, त्रिगुणित। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं भ्रूणपोष की जो सूत्रगुणिता क्या रहेगी, त्रिगुणित रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिगुणित का मतलब यहाँ पर 3N से प्रदर्शित करते हैं। अब 3N क्यों होती है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसी भी आवर्तबीजी पादप की हम जब बात करते हैं तो ऐसा पादप जो द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, द्विलिंगी पुष्प कैसा होता है, 2N होता है। और इस 2N जो द्विलिंगी पुष्प है इसमें नर जननांग को हम क्या कहते हैं, नर जननांग को क्या कहते हैं, हम पुमंग कहते हैं। और जो मादा जननांग है उसे क्या कहते हैं, हम जायांग कहते हैं। जायांग में क्या पाए जाते हैं, अंडप पाए जाते हैं, ये भी कैसे होते हैं, 2N। और अंडप में क्या होगा, बीजांड होंगे, बीजांड बनते हैं। और बीजांड में क्या पाई जाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है। तो ये भी कैसी होती है, 2N होती है। इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है और अर्धसूत्र विभाजन से 4 सक्रिय 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। जो भ्रूण है या भ्रूणपोष का जो पोषण होता है उसमें इनका उपयोग कर लिया जाता है। इनमें 1 जो गुरु बीजाणु होता है वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। और इसकी भी सूत्रगुणिता क्या होती है, N। मादा युग्मकोद्भिद जो सक्रिय जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, जिसे हम नाम देते हैं भ्रूणकोष, ये भी कैसा होता है, N होता है। मादा युग्मकोद्भिद में यहाँ 2 कोशिकाएँ बनती हैं, वैसे इसमें 8 सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पार्ट है एक अंडकोशिका का और दूसरा आता है ध्रुवीय केंद्रक का। फिर इसके पश्चात यहाँ पर द्वितीय केंद्रक में बनता है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। द्वितीय केंद्रक से क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है।
तो ये एक पार्ट हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नरजननंग की। नरजननंग जो पुमंग है इसमें पुंकेसर होते हैं, टूएन होता है। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? प्राकोष जो टूएन होते हैं। लघु बीजाणु मातृकोशिका बनती है और यह इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। ये कैसे होते हैं? एन होते हैं। लघु बीजाणु में भी यहाँ पर चार परागकणों का निर्माण होता है और चारों कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। नरीगुमक उद्भिद की प्रथम कोशिका भी इनको हम कहते हैं। फिर नरीगुमक जो होता है उसके में दो नरीगुमक बनते हैं और यहाँ पर अलग अलग जो नरीगुमक हैं, एक नंबर वन और नंबर टू। एक नरीगुमक का संलयन अंडकोशिका के साथ में और दूसरे नरीगुमक का संलयन द्वितीय केंद्रक के साथ में होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक ही कैसा होता है? टूएन होता है। और जो नरीगुमक होता है ये कैसा होता है? एन होता है। तो क्या बना यहाँ पर? थ्री एन। तो हम कह सकते हैं कि भ्रूणपोष की जो सूत्रगुणिता होती है वो क्या होती है? थ्री एन होती है। इसी तरह से भ्रूणकोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, यहाँ पर पोष और यहाँ पर कोष है। तो भ्रूणकोष की सूत्रगुणिता एन होती है, भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता थ्री एन होती है। इसके पश्चात युग्मनज, यहाँ भ्रूणपोष बन जाता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और अन्य जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। युग्मनज की जब हम बात करेंगे तो एक नरीगुमक और एक कंडकोशिका मिलकर क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है, टू एन होता है, क्योंकि एन प्लस एन बराबर क्या हो गया? टू एन। भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या बनता है? बीज बनता है, बीज से पादप। जब अंकुरण की प्रोसेस होती है रोपण भूमि में तब पादप बनता है, पादप जब यौवन अवस्था में आता है तो पुष्प बनाता है। और जो कैसे होते हैं? यहाँ पर द्विलिंगी भी हो सकते हैं और एकलिंगी भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक आवर्त बीजी जो प्लांट होता है, एक आवर्त बीजी जो पादप होता है, उस आवर्त बीजी पादप की एक पीढ़ी एकांतरण यानी उसका जो जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हमने यहाँ देखा। और इस लाइफ साइकिल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? इस लाइफ साइकिल के अंतर्गत हमें जो मेन जो पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, एन और टू एन के बारे में, जैसे यहाँ जायांग अंडप बीजाण गुरु बीजाणु मातृकोशिका, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती कैसी होती है? टू एन होती है। इसके पश्चात युग्मक बनना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ की जो प्रोसेस होती कैसी होती है? यहाँ की एन होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे पुमंग की, तो पुमंग में भी हम देख रहे हैं जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जो प्रोसेस वो कैसी होती है? टू एन होती है। इसी तरह से युग्मनज से लेकर आगे तक की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? टू एन होती है। युग्मक बनते हैं और युग्मक कैसे होते हैं? हमेशा एन होते हैं। तो यहाँ एन की जो अवस्था आती है वो युग्मक के अंतर्गत ही आती है, चाहे वो मादा युग्मक हो चाहे वो नरयुग्मक हो, हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। बाकी से जो संरचनाएँ होती हैं जैसे यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक एन होते हैं, टू एन दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं तो एन एन होती है, फिर दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तब यहाँ पर क्या बनता है? टू एन। द्वितीय केंद्रक कैसा होता है? टू एन होता है। जो ध्रुवीय केंद्रक होते कैसे होते हैं? एन होते हैं। तो इसका भी हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। अंडकोशिका की बात करें तो ये भी अर्धसूत्री विभाजन से बनती है तो एन होती है। भ्रूणपोष जो है एक नरीगुमक और एक द्वितीय केंद्रक के संयुग्मन से बनता है, निषेचन से बनता है, तो ये क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। ये कैसा होता है? त्रिगुणित। तो इस पूरे जो लाइफ साइकिल के अंतर्गत एकमात्र ऐसी संरचना जो त्रिगुणित होती है तो वो क्या होता है? भ्रूणपोष की होती है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकांतरण जो पीढ़ी एकांतरण की हम जब बात करते हैं तो इसमें एकमात्र ऐसी संरचना होती है जो थ्री एन होती है, तो वो होती है भ्रूणपोष। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पार्थेनियम पादप से विकसित कौन सी रचना मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है? तो पार्थेनियम को हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। गाजर घास में एक रचना बनती है और ये रचना क्या करती है? मानव में जो है एलर्जी रोग उत्पन्न करती है। और इसका नाम क्या है? परागकण। अमेरिका से आयातित जो गेहूँ होते हैं उनके साथ में जो पार्थेनियम जो पादप है ये आयातित हो गया और यहाँ जब भूमि में गेहूं का जो बीज है उनका रोपण किया गया तो यहाँ पर ये स्थापित हो गया। और इसकी जो परागकण होते हैं ये वायु के साथ में जब गमन करते हैं तो मानव में ये क्या है? एक एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं, यानी जो परागकण होते हैं इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और जीवाश्म रूपों की जब हम बात करते हैं तो जीवाश्म रूपों में भी ये कई सालों तक जो है जीवित रहते हैं, तो इसके क्या कारण है, तो इसका एक कारण है स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति। स्पोरोपोलिनिन के कारण जो परागकण होते हैं वो लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। अब स्पोरोपोलिनिन क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। परागकण के जो बाह्य चोल होता है यानी परागकण जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, इसकी जो बाहरी भित्ति परत, बाहर की जो भित्ति परत होती है इसे हम नाम देते हैं बाह्य चोल। परागकण की दो भित्ति परतें पाई जाती हैं, एक होती है अंतःचोल और एक होती है बाह्य चोल। तो दो परतें होती हैं, जो बाह्य चोल का जो पार्ट होता है ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। इसके कारण जो ये कठोर होता है, और स्पोरोपोलिनिन की क्या विशेषता होती है कि ये भौतिक और जैविक जो अपचयन है इनसे परागकणों की सुरक्षा करता है। इसी कारण से परागकण जीवाश्म रूप में भी कैसे पाए जाते हैं, संरक्षित पाए जाते हैं। तो भौतिक और जैविक जो कारक हैं उनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो ताप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे अम्ल हो, क्षार हो, इनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। सबसे अधिक जैव प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है, इस पर उच्च ताप का, प्रबल अम्ल का या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोरोपोलिनिन। नीट जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी पूछा जाता रहा है। टेपिटम की जो कोशिकाओं द्वारा स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है, जो टेपिटम जो सेल्स होती है जो पराकोष में पाई जाती है, पराकोष की जो भित्ति परतें होती हैं उनमें एक परत क्या होती है, टेपिटम भी होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएँ हैं एक स्राव उत्पन्न करती है जो सुबेरिन और क्रिएटिन से मिला होता है, इनके बहुलीकरण से बनता है स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, परागकण की जो बाहरी भित्ति जो परत होती है, क्योंकि पराकोष के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, तो ये परागकण की जो बाहरी भित्ति परत होती है उसको बनाने का काम करता है। और यही स्पोरोपोलिनिन है, और ये स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, परागकणों की भौतिक और जैविक जो अपचयन है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जो परागकण होते हैं वो लंबे समय तक जीवाश्म रूपों में संरक्षित पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी जो सीरीज़ है वो हमने यहाँ प्रारंभ की है। अगर आपका कोई मित्र है, कोई साथी है, तो आप उसे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह से आगे के जो समय रहेगा उसमें हम कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसी चैप्टर को हम आगे लेकर जाएंगे, इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।